आपको क्लास 6 से 12 तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं 8400400400, या आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है और फोटो लेने के बाद आपको उसको क्रॉप करना है। क्रॉप में आपको उतना ही करना है जितना आपका क्वेश्चन है, और उसके बाद में आपको यहाँ से सेंड करना है, और सेंड करने के 10 सेकंड बाद में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, गुड क्वेश्चन सर्चिंग सॉल्यूशन इन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें से आपके काफ़ी आंसर आ चुके हैं, जो आपका आंसर है वो वाला आप ले सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। ये आपके प्री बोर्ड का पेपर है 2020 का, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है, पूर्णांक 80 का है। इसमें सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो आपको अच्छे से ये वाले पेपर तैयार करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, चोल कालीन तंजोर नगर है वो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको अच्छे से लिखना है इसमें, अच्छे से आपको याद करना है। और दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्रीय शासन के कोई दो गुण लिखिए। जो लोकतंत्र है, शासन है, उसके आपको दो गुण इसमें लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद है उसको आपको परिभाषित करना है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी डिफाइन जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होती है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ओके, इसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। चौथा प्रश्न है, जो स्वयं शक्ति है उसको आपको डेफिनेशन करना है, उसको परिभाषित करना है। जो लेबर फोर्स है, स्वयं शक्ति है, उसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और पाँचवा प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डाइसी ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी? जो डाइसी है उसने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी, तो वो परिभाषा आपको इसमें लिखनी है। और छठा प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। जो राष्ट्रीय आय है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है आपको अच्छे से। और सातवा प्रश्न है इसमें, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो निरपेक्ष गरीबी है उसकी अवधारणा को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, उसको समझाना है अच्छे से। और आठवां प्रश्न है इसमें, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की? एक नंबर का क्वेश्चन है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर आयोजित की थी? और नौवां प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है, तो वो अच्छे से आपको लिखना है। और दसवां प्रश्न है, मुद्रा स्फीति के कोई दो स्वरूपों के नाम लिखिए। जो मुद्रा स्फीति है उसके कोई दो स्वरूप हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, अच्छे से आपको तैयार करना है। 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हैं आपके 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, राज्य की किन्हीं 4 बहुदेशीय जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। राज्य है उसकी किन्हीं 4 जो बहुदेशीय जल परियोजनाएँ हैं उनके नाम लिखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12वां प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। जो पाइपलाइन परिवहन है उसके आपको क्या बताने हैं, लाभ बताने हैं, उसे क्या बेनिफिट होते हैं, तो वो बेनिफिट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और 13वां प्रश्न है, ठोस कचरा प्रबंधन के कोई 4 लाभ बताइए। ठोस कचरा प्रबंधन है उसके 4 लाभ आपको इसमें बताने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 14वां प्रश्न है इसमें आपके, खरीफ की फसल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो खरीफ की फसल है उसे आप क्या समझते हैं, और उसके एग्जाम्पल भी आपको साथ में लिखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15वां प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है उसे आप क्या समझते हैं, तो वो आपको लिखना है इसमें। 16वां प्रश्न है, कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कि कोयला कितने प्रकार का होता है और उन जो टाइप हैं उनके जो प्रकार हैं उनका आपको वर्णन करना है, ओके। 17वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? स्वच्छ भारत मिशन, जो क्लीन इंडिया है या फिर स्वच्छ भारत मिशन आप बोल सकते हो, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, तो वो आपको इसमें लिखना है। और 18वां प्रश्न है आपके, राजस्थान के किन्हीं दो जनपदों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के कोई दो जनपद हैं उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए। 19वां प्रश्न है, सातवाहन
जो सातवाहन वंश है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवाहन वंश है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो अच्छे से आपको ये वाला प्रश्न भी तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 20 वाला प्रश्न है आपके, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान लिखिए। जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क है उसका आपको योगदान लिखना है, उसके बारे में लिखना आपको। जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें जो बिस्मार्क है उसका योगदान लिखना है। 21 वाला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसकी कठिनाइयां लिखिए। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड हैं, एक तो है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है यानी उसे आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है इसकी कठिनाइयां लिखिए। तो इसकी जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। और 22 वाला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। समुद्रगुप्त है उसके सांस्कृतिक योगदान है उसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार करना है। और 23 वाला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को लिखिए। इटली का जो एकीकरण है उसके जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट करना है, वो चरण आपको लिखने हैं। और 24 वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। जो असहयोग आंदोलन है उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 वाला प्रश्न है, विधानसभा के बारे में, विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों और उनके जो अधिकार हैं उनके जो पावर हैं उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों एवं अधिकारों का वर्णन करना है। 26 वाला प्रश्न है, गैरिबाल्डी के बारे में आप क्या जानते हैं, जो गैरिबाल्डी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं या फिर आप उसे क्या समझते हैं। 27 वाला प्रश्न है, इसमें लोकतंत्र के किन्हीं चार दोषों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के किन्हीं चार दोषों का वर्णन करना आपको अच्छे से तैयार करना है। 28 वाला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं और उनके जो अधिकार हैं उनकी आपको विवेचना करनी है और उससे आप क्या समझते हैं। तो ये 28 क्वेश्चन है इस प्री बोर्ड के पेपर में, और सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।